हेलो वियर्स, सिर्फ 5 दिन में पित्त की थैली से 21 mm की पथरी को गला देने वाला नुस्खा। क्या आप जानते हैं पित्ते की थैली की पथरी को निकालना कितना मुश्किल है, लेकिन इन घरेलू नुस्खों से उसे निकालना संभव है। पित्ताशय में पथरी होने के कारण, लक्षण और इलाज। वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी इस समस्या से ग्रसित हैं, तो फिर ऑपरेशन का विकल्प चुनने से पहले प्राकृतिक रूप से इसे दूर करने की कोशिश करें। कई तरह के घरेलू नुस्खों के द्वारा पथरी को प्राकृतिक तरीके से और प्रभावी उपचार किया जा सकता है। पहले बात करते हैं पित्ताशय की पथरी क्या है। पित्ताशय में पथरी गंभीर शारीरिक बीमारी है। पित्ते की पथरी को इंग्लिश में गोल ब्लैडर स्टोन कहते हैं। पित्ताशय हमारे शरीर का एक छोटा सा अंग है जो लीवर के ठीक पीछे होता है। पित्त हरे रंग का एक तरल पदार्थ है जो लीवर में बनकर लीवर से लगी हुई पित्त की थैली में इकट्ठा होता रहता है। पित्ताशय हमारे पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो लीवर और छोटी आंत के बीच एक पुल की तरह काम करता है। पित्ताशय की पथरी के लक्षण। पित्ताशय में पथरी के लक्षण कभी कभी 1-2 साल तक दिखाई नहीं पड़ते। कुछ समय बाद जब अचानक से पेट में असहनीय दर्द होना शुरू हो जाता है, तब लोग डॉक्टर से जांच करवाते हैं तो पता चलता है कि उन्हें पित्ताशय में पथरी है। इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे लक्षण हैं जिनसे पित्ताशय में पथरी को पहचाना जा सकता है, जैसे कि पेट के दाहिनी तरफ ऊपरी भाग में अचानक असहनीय दर्द शुरू होना, पेट में कई घंटों तक दर्द बने रहना। पित्ताशय में पथरी होने की स्थिति में शरीर की त्वचा या आंखों का पीला होना भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है। पित्ताशय में पथरी होने पर पेट अपने आप भरा भरा महसूस होता है और भूख कम लगती है या नहीं लगती। कमजोरी होना, पेट फूलने की समस्या बनी रहना, बदहजमी होना, खट्टापन महसूस होना। पित्ताशय में पथरी के कारण। पित्ताशय में पथरी के कारणों की बात करें तो कई कारण हैं जिनकी वजह से पित्ताशय में पथरी होती है। इन कारणों में शामिल है अनियमित जीवन शैली, असंतुलित खान पान, अधिक मोटापा, वंश परंपरागत, गर्भवती महिला व गर्भ निरोधक गोली का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं को पित्ताशय में पथरी होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तेजी से वजन कम करने पर भी पित्ताशय में पथरी होने का खतरा बना रहता है। उम्र का भी फर्क पड़ता है। 45 से अधिक उम्र वालों में इस बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। अधिक जंक फूड खाने से भी पित्ताशय में पथरी होने का खतरा बना रहता है। अब बात करते हैं पित्ताशय में पथरी होने का घरेलू इलाज। नंबर 1, गुड़हल का पाउडर। आपको गुड़हल के पाउडर की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए आप गुड़हल के फूल इकट्ठा करके उनका पाउडर बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको गुड़हल के फूल नहीं मिल पा रहे हैं तो इसका पाउडर पंसारी की दुकान पर भी आसानी से मिल जाता है। गुड़हल का पाउडर 1 चम्मच रात को सोते समय, खाना खाने के कम 1 घंटे बाद गर्म पानी के साथ फांक लीजिए। ये थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता कि आप खा ना सकें। इसके बाद कुछ भी खाना या पीना नहीं है। ये नुस्खा इतना ज़बरदस्त है कि इसे लेने से 5 दिन में ही पित्त की थैली से 21 mm की पथरी बाहर निकल जाएगी। नंबर 2, संतरा, मौसमी और टमाटर का जूस। ऐसे फलों का जूस पी सकते हैं जिनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में हो, जैसे संतरा, टमाटर आदि का रस पिए। इसमें मौजूद विटामिन सी शरीर के कोलेस्ट्रॉल को पित्त अम्ल में परिवर्तित करती है जो पथरी को तोड़कर बाहर निकालता है। आप विटामिन सी ले सकते हैं या पथरी के दर्द के लिए यह एक उत्तम घरेलू उपचार है। नंबर 3, गाजर। अगर आपको पित्त की पथरी की समस्या है तो गाजर और ककड़ी का रस 100 मिलीलीटर की मात्रा में मिलाकर दिन में 2 बार पिए। इस समस्या में ये अत्यंत लाभकारी घरेलू नुस्खा है। ये कोलेस्ट्रॉल के सख्त रूप को नरम कर बाहर निकालने में मदद करता है। नंबर 4, हल्दी। पथरी के लिए यह एक उत्तम घरेलू उपचार है। यह एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। हल्दी पित्त यौगिकों और पथरी को आसानी से विघटित कर देती है। ऐसा माना जाता है कि 1 चम्मच हल्दी लेने से लगभग 80% पथरी खत्म हो जाती है। नंबर 5, एप्पल सीडर विनेगर। एप्पल सीडर विनेगर की अम्लीय प्रवृत्ति लीवर को कोलेस्ट्रॉल बनाने से रोकती है, जो अधिकांश पथरियों का कारण होता है। यह पथरी को विघटित करने तथा दर्द को समाप्त करने में सहायक होती है। नंबर 6, नाशपाती। नाशपाती में भरपूर मात्रा में पेक्टिन पाया जाता है। पित्ताशय में पथरी होने पर नाशपाती का रस बहुत फायदेमंद होता है। नाशपाती में मौजूद
पेक्टिन हानिकारक कोलेस्ट्रॉल और पित्त की थैली में पथरी के खतरे को कम करता है। नाशपाती के उपयोग की बात करें तो नाशपाती के रस को गर्म पानी में शहद के साथ अच्छी तरह से मिलाएं और फिर इस जूस को दिन में कम से कम 3 बार सेवन करें। नंबर 7, पीपरमिंट। अधिकांश लोग यही समझते हैं कि पीपरमिंट का उपयोग सिर्फ पान में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह पिताशय की पथरी के बेहतरीन उपचारों में से एक है। पीपरमिंट में टेरिपेन नामक प्राकृतिक औषधि पाई जाती है, जिसकी मदद से पिताशय में पथरी नरम हो जाती है और इससे राहत मिलती है। एक बर्तन में 1 गिलास पानी उबालने के लिए आंच पर रखें और फिर इसमें पीपरमिंट की कुछ पत्तियां डाल दें। गैस को बंद करने के बाद इस बर्तन को ढक दें। 5 मिनट के बाद चाय की छलनी से छानकर दिन में कम से कम 2 बार इसका सेवन करें। अगर स्वाद में कड़वी लगे तो आप स्वादानुसार इसमें शहद मिला सकते हैं। नंबर 8, नींबू। नींबू के रस में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो पित्त की थैली में पथरी की समस्या को दूर करता है। पित्ताशय में पथरी होने के दौरान हर रोज कम से कम 4 बार नींबू पानी पीना चाहिए। नंबर 9, सेब। सेब बहुत ही पौष्टिक फल है। अगर किसी को पथरी की समस्या है तो उसे रोजाना कम से कम 3 सेब का सेवन करना चाहिए। इससे पथरी नरम हो जाती है और मल के रास्ते आसानी से बाहर निकल जाती है। पथरी का रोगी चाहे तो चुकंदर के साथ भी सेब के जूस का सेवन कर सकता है। नंबर 10, क्रैनबेरी जूस। क्रैनबेरी जूस में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम और कोलेस्ट्रॉल की वजह से होने वाली पथरी से राहत दिलाने में मदद करता है। इसके अलावा इसके रस में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट पित्ताशय, लिवर और स्वास्थ्य को निखारने में मदद करता है। पित्ताशय की पथरी के इलाज के लिए आप क्रैनबेरी के सादे जूस का नियमित मात्रा में सेवन कर सकते हैं। नंबर 11, नारियल का तेल। 3 चम्मच नारियल के तेल को हल्का गर्म करें और उसमें 1/4 भाग सेब का रस और 1/2 चम्मच नींबू का रस मिलाकर इसका सेवन करें। इससे आपके लिवर और गोल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल और फैट्स जैसे कारक के संचय को रोका जा सकता है, जिससे आपके पित्ताशय की पथरी धीरे धीरे घुल जाती है। नंबर 12, भरपूर मात्रा में पानी पिए। पानी हमारे शरीर से कई तरह के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। यह पथरी को आसानी से घोल सकता है। कई लोगों को पथरी की समस्या कम पानी पीने की वजह से होती है, इसलिए एक बेहतर स्वास्थ्य के लिए और पथरी को घोलने के लिए आप दिन में कम से कम 5 से 6 लीटर पानी जरूर पिए। नंबर 13, हर्बल चाय। पानी में 2 चम्मच ग्रीन टी और 1 नींबू निचोड़कर उसे उबाल लें। जब चाय तैयार हो जाए तब आप इसे गुनगुना होने के बाद पी लें। इसके अलावा आप चुस्की लेकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो पथरी की वजह से उत्पन्न दर्द और सूजन को कम करते हैं और पथरी को धीरे धीरे घुला भी देते हैं। नंबर 14, ब्लैक कॉफ़ी। एक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि ब्लैक कॉफ़ी पीने से किसी भी तरह की पथरी का इलाज किया जा सकता है। कॉफ़ी में भरपूर मात्रा में पाए जाने वाला कैफीन ब्लैडर के संकुचन को बढ़ाता है, जिससे पथरी धीरे धीरे बाहर निकल जाती है। इसलिए पथरी ठीक करने के लिए आप ब्लैक कॉफ़ी का भरपूर सेवन कर सकते हैं। नंबर 15, विटामिन सी। विटामिन सी पित्ताशय में पथरी को रोकने के लिए काफ़ी प्रभावशाली उपाय है। विटामिन सी की कमी से भी पित्ताशय में पथरी की समस्या हो सकती है। इस स्थिति में सही मात्रा में विटामिन सी के सेवन से ब्लैडर स्टोन होने का खतरा अपने आप ही कम हो जाता है। विटामिन सी युक्त फल जैसे अमरूद, कीवी, पपीता व आम का सेवन करके भी विटामिन सी की भरपाई की जा सकती है। हरी सब्जियों के सेवन से विटामिन सी की खुराक को पूरा किया जा सकता है। इन सब से न सिर्फ विटामिन सी आपके शरीर तक पहुंचता है, बल्कि कई अन्य पोषक तत्व भी मिलते हैं। नंबर 16, सुबह और शाम पथरी चट पौधे के 3 पत्तों को धो के रोज सुबह और शाम को खाली पेट चबा चबा कर खा लें। ऊपर से थोड़ा पानी पी लें। ऐसा लगातार 20 से 25 दिन तक करें। यकीन मानिए, आपके शरीर में बन रही पथरी टूट कर बाहर निकल जाएगी। नंबर 17, प्याज को कतरकर पानी से धोकर उसका 20 ग्राम रस निकालकर उसमें 50 ग्राम मिश्री मिलाकर पीने से पथरी टूट कर पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाती है। नंबर 18, मूली का रस 25 ग्राम व यवशार 1 ग्राम दोनों को मिलाकर रोगी को पिलाएं, पथरी गलकर बाहर निकल जाएगी। नंबर 19, नींबू का रस 6 ग्राम, कलमी शोरा 4 रत्ती, पीसे तिल 1 ग्राम, ठंडे पानी के साथ
दिन में एक या दो बार 21 दिन तक सेवन करने से पथरी गल जाती है। नंबर 20, नारियल का पानी और एक नींबू मिक्स करके भगवान का नाम जपते हुए कुछ दिनों तक पिए, पथरी अपने आप बाहर निकल जाएगी। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है पित्ताशय के पथरी का आसान घरेलू इलाज। व्यूअर्स, अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं और इंग्लिश आपकी प्रॉब्लम है तो अटेंड करें लाइव क्लास बाय गौरव धवन सर वोकैब इंग्लिश गुरु ऐप पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आज की इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें जहां भी आप लोगों से मिलते जुलते हैं, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक। मिलते हैं कल ऐसे एक हेल्थ वीडियो या ब्यूटी टिप्स के साथ। स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। बाय बाय।